दोस्तों नमस्कार। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म 19 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी के बीच में आप भर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे जरूरी बात कि आपको किस जिले से फॉर्म अप्लाई करना है। दोस्तों इस बार भी राजस्थान पुलिस की मेरिट है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज ही रहने वाली है। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे जिले आपको बताऊंगा जहां की कट ऑफ इस बार कम रहेगी, जहां पर ट्रैफिक कम रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैं आपको पिछले साल की कट ऑफ भी दिखाने वाला हूं कि वो कौन से जिले थे जहां पर ट्रैफिक ज्यादा था और कट ऑफ सबसे ज्यादा रही। चलिए दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की पूरी जानकारी आपको देता हूं। आगे भी इससे जुड़ी पल-पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों राजस्थान पुलिस की पिछली भर्ती में आपने फॉर्म भरा था या नहीं और आपके कितने नंबर आए थे, ये बात आप कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बता दीजिए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपके लिए, हमारी टीम ने स्पेशल आपके लिए एक बुक तैयार की है। इसमें राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस और कंप्यूटर के नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर 7000 से भी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फटाफट से आप पीडीएफ को, ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह पढ़ने के बाद में आप कंप्यूटर, जनरल साइंस, इंडिया जीके और राजस्थान जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे जिले बताता हूं जहां पर कट ऑफ पिछली बार सबसे ज्यादा गई थी। दोस्तों अजमेर की कट ऑफ पिछली बार थी जनरल कैटेगरी में, मेल में 52.62। इसके अलावा बूंदी की कट ऑफ पिछली बार जनरल कैटेगरी की, मेल की थी 53.75। इसके अलावा झालावाड़ की कट ऑफ थी 50.75। झुंझुनू भी आपका टॉप पर था, झुंझुनू की कट ऑफ 52.87। इसके अलावा कोटा शहर की कट ऑफ 51.12 रही थी। ये दोस्तों पिछली बार की कट ऑफ है राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 की। अब दोस्तों आप देखिए, ये जो आपके 6 जिले हैं इनमें कट ऑफ 50 से ऊपर थी, लेकिन दोस्तों अब आपके बहुत सारे वो जिले जिनकी कट ऑफ 50 में मात्र 1-2 पॉइंट कम थी, जैसे 49 पॉइंट कुछ थी, उनका भी दोस्तों कंपटीशन में कोई कम हाल नहीं है। दोस्तों अगर आप राजस्थान पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए संपूर्ण वीडियो कोर्स अवेलेबल हो चुका है। आपको दुरीना ऐप डाउनलोड करना है, यहाँ पर सुभाष सारण सर का आप वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं और घर बैठे राजस्थान पुलिस की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो कोर्स है, फटाफट से दुरीना ऐप डाउनलोड करके खरीद लीजिए, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए दोस्तों यहां पर जो जिला आपका झुंझुनू, अजमेर, झालावाड़, कोटा, यहां पर ये 4 जिले आप देख रहे हैं, ये जिले ऐसे हैं जहां पर विद्यार्थियों की नजर ज्यादा रहती है और ज्यादातर विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर फॉर्म अप्लाई करते हैं। और दोस्तों जितने फॉर्म आते हैं उसमें भी जरूरी बात है कि यहां पर वो विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं जो थोड़े ज्यादा अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है, आप इन जिले से फॉर्म न भरें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप खुद के जिले में रहना चाहते हैं तो इनमें फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए मैं आपको ऑफिशियल पीडीएफ दिखाता हूं, ये देख लीजिए, राजस्थान पुलिस 2018 की कट ऑफ की पीडीएफ है, एक एक जिले की कट ऑफ दी गई है। सबसे पहले दोस्तों मैं जानना चाहता हूं कि आप किस जिले में रहते हैं, आप किस जिले के निवासी हैं, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आप किस जिले से रहते हैं। दोस्तों ये आप देखिए, यहां पर जयपुर कमिश्नरेट की कट ऑफ है वो जनरल मेल में 49.125 थी। दोस्तों ये जिला सबसे ज्यादा चर्चित रहता है, इसकी कट ऑफ मेल में 49.15 थी। इसके अलावा दोस्तों फीमेल में 30.50 थी। जी हां दोस्तों, राजस्थान पुलिस में फीमेल कैटेगरी के लिए कट ऑफ बहुत ही ज्यादा कम रहती है, फीमेल कैंडिडेट्स का बहुत ही कम मेहनत में राजस्थान पुलिस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आप भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो थोड़ी सी भी तैयारी कर लेंगे, थोड़ा सा मन से पढ़ लेंगे तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए दोस्तों यहां पर जयपुर कमिश्नरेट और एक जोधपुर कमिश्नरेट, इन दोनों कट ऑफ आप देखिए, ये दोनों काफी चर्चित रहते हैं। इनमें आप देखिए जोधपुर की तो बिल्कुल कम रही थी 35, लेकिन जयपुर की ठीक थी 49.125। राजस्थान पुलिस की भर्ती में इस बार आपकी कट ऑफ हो कम से कम 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक आराम से बढ़ने वाली है। इसका कारण एक तो यह है कि इस बार हर पार्ट में पास होना जरूरी नहीं है। ऐसे में दोस्तों जाहिर सी बात है, हर पार्ट में पास होना जरूरी नहीं है तो आपकी कट ऑफ बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों पिछली बार देखा था मैंने, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनके टोटल नंबर तो बहुत अच्छे हैं, कट ऑफ से 10-10 नंबर ज्यादा थे, लेकिन वो बी पार्ट में फेल होने के कारण राजस्थान पुलिस की भर्ती में अपना सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो दोस्तों पहली बात, इस बार आपकी कट ऑफ इससे कम से कम 5-7 नंबर तो ज्यादा रहने ही वाली है। और दोस्तों
दोस्तों अब आपको बताता हूं सेफ जिले। देखिए दोस्तों पहली बात है, जिन जिलों की कट ऑफ पिछली बार ज्यादा रही थी, जरूरी नहीं है कि उनकी कट ऑफ इस बार भी ज्यादा रहे। दोस्तों अगर आपको मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो जाइए 8400400400 के व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन की फोटो खींचकर सेंड कीजिए, तुरंत कुछ सेकंड में आपको उसका आंसर मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। तो इस प्रकार से आप घर बैठे अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए डाउट एंड ऐप डाउनलोड करने का, इस व्हाट्सएप का आपको लिंक दिया गया है। क्योंकि जब विद्यार्थी को भी फॉर्म अप्लाई करेगा तो वो ये देखेगा कि हाँ यहाँ की कट ऑफ पिछली बार ज्यादा थी तो मैं यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं करूंगा। इसलिए दोस्तों उन जिलों में ट्रैफिक ऑटोमेटिक कम हो जाता है वहां पर कट ऑफ ज्यादा रहने के कारण। इसलिए दोस्तों आपको उन जिलों से फॉर्म अप्लाई करना है जिनकी कट ऑफ पिछली बार मीडियम थी, वो जिले आपके लिए सबसे ज्यादा सेफ होंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, एक तो मैं बता रहा आपको करौली कट ऑफ आप देखिए दोस्तों मात्र 31.25 थी। झुंझुनू में यहाँ पर दोस्तों आप कट ऑफ आई थी, झुंझुनू में आप तभी फॉर्म भरे जब आप अपने खुद के जिले में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। दोस्तों एक आप अपना ये देख लीजिए जालोर की कट ऑफ मात्र 30 थी मेल कैटेगरी के लिए, फीमेल कैटेगरी के लिए 32.87 थी, यानी कि बिल्कुल आपका सेफ है। इसके अलावा दोस्तों आगे चले तो एक आप ये देखिए डूंगरपुर की 31.25 मेल की थी, फीमेल की 33.25 थी, यानी कि ये भी आपका बिल्कुल सेफ था। इसके अलावा दोस्तों आप धौलपुर देख लीजिए, धौलपुर में आपकी कट ऑफ 31.5 तो मेल की थी, फीमेल की 36.25 रही थी। इसके अलावा दोस्तों दौसा में देख लीजिए, दौसा आपका मीडियम में आता है। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि जहां पर फॉर्म सबसे ज्यादा आए वहां पर कट ऑफ सबसे ज्यादा हो। तो आप ऐसे मत सोचना कि जहां पर वैकेंसी ज्यादा है वहां पर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, एक बात आपको बताता हूं दोस्तों। दूसरी बात, एक आप ऐसे मत देखना कि जहां की कट ऑफ पिछली बार सबसे कम रही थी, जो सबसे नीचे था उसमें फॉर्म अप्लाई करूं, क्योंकि इस बार उसी कट ऑफ बढ़ने वाली है, वहां पर अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट अपने आप ही पहुंच जाएंगे उसकी तलाश में। तो दोस्तों आपको जो मीडियम जिले हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं, यहां पर एक बार फिर से बता देता हूं, बाड़मेर हो गया, इसके अलावा आपका दोस्तों बांसवाड़ा हो गया, अगला दोस्तों आपका यहां पर आ जाता है जोधपुर कट ऑफ भी मात्र 35 रही थी, एक दोस्तों आपका है चित्तौड़गढ़ की मात्र 31 रही थी, एक आपका बूंदी है, ये दोस्तों बिल्कुल टॉप में रहने वाला है, इसमें आप अप्लाई ना करें तो बेहतर रहेगा, एक आप बीकानेर से अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों आप यहां पर भरतपुर से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 7 से 8 जिले बता दिए हैं जो लगभग आपके सेफ माने जा रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, जब आपके राजस्थान पुलिस भर्ती के फॉर्म शुरू हो जाएंगे तो हर रोज का मैं आपको डाटा उपलब्ध करवाऊंगा कि आज किस जिले में कितने फॉर्म आए, उसके बाद में एग्जैक्ट पता चलेगा कि विद्यार्थियों का रुख किस जिले की तरफ है और आपको किस जिले में आवेदन करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। दोस्तों बहुत ही जल्दी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी लेकर आऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो वो तुरंत आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आगे भी पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। राजस्थान पुलिस की पिछली भर्ती में आपने फॉर्म भरा था या नहीं और आपके कितने नंबर आए थे, ये बात आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।